आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। दोस्तों आप लोग हमारे चैनल आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों आज के समय में भागदौड़ भरी लाइफ में किसी के पास इतना समय नहीं होता कि वह खुद के लिए थोड़ा सा भी समय निकाल पाए, जिसके कारण कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। वहीं पहले जमाने की बात करें तो 60 साल में भी लोग बहुत ही हेल्दी होते थे। इसका मुख्य कारण था उनका ठीक से खान पान और उनकी सही दिनचर्या। वहीं आज के जमाने की बात करें तो 30 साल की उम्र के बाद ही कई शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए 30 साल की उम्र होते ही अपने हेल्थ चेकअप कराना शुरू कर देना चाहिए, जिससे कि बाद में कोई खतरनाक बीमारी सामने न आए। अगर आप 30 साल के पूरे हो गए हैं तो हम आपको ऐसी बीमारियों के बारे में बता रहे हैं जो कि इस उम्र के बाद होना एक आम बात है। जानिए इन सेहत संबंधी समस्याओं के बारे में। 30 साल की उम्र के बाद पुरुषों के मसल्स में ढीलापन आ जाता है या लचीलापन आ जाता है, जिसके कारण ये सिकुड़ने लगती हैं, जो कि मसल्स पेन का एक बड़ा कारण बन सकती हैं। 30 साल के बाद शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसके कारण आपकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। 30 साल की उम्र के बाद शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने लग जाती है, जिसके कारण आपको हार्ट संबंधी कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। 30 साल की उम्र के बाद शरीर में मेटाबॉलिज्म की कमी तो आती ही है, साथ ही इंसुलिन का बैलेंस भी बिगड़ जाता है, जिसके कारण डायबिटीज होने की संभावना सबसे अधिक होती है। 30 साल की उम्र के बाद पेट की चर्बी बढ़ने लगती है, जिसके कारण टमी निकल आती है। इस उम्र में मेटाबॉलिज्म धीरे काम करने लगता है, जिसके कारण जब आप खाना खाते हैं तो वो ठीक ढंग से नहीं पच पाता, जो कि फैट टमी होने का एक कारण हो सकता है। दोस्तों आपको हमने इतनी सारी चीज़ें बताई, अगर आप 30 साल के हैं, 30 के आसपास हैं या 30 साल से ज़्यादा आपकी उम्र होने वाली है तो आप इन चीज़ों पर ध्यान दें और अपने डॉक्टर की जरूर सलाह लें। दोस्तों आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है, जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान, क्योंकि आयुर्वेद समाधान है हर रोग का निदान।